हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, जब बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेदर्स इन बर्ड, बर्ड में कई तरह के फेदर्स पाए जाते हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। देखिए, द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेदर ऑन द बॉडी इज कॉल्ड टेराइलोसिस। ओके, द फेदर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड्स ओनली। जो फेदर्स है वो किस में पाया जाता है? केवल बर्ड में पाया जाता है। इन पिजन द फेदर आर वेरियसली मॉडिफाइड टू सर्व डिफरेंट फंक्शन। अभी हमारे सिलेबस में पिजन है, इसलिए पिजन के बारे में हम फोकस करके बात करेंगे। ओके, चलिए देखिए, देयर आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, कौन कौन से? क्विल और फ्लाइट फेदर्स, उसके बाद है फाइलो प्लूम्स, हेयर फेदर्स और पिन फेदर्स, उसके बाद डाउन फेदर और प्लूम्स। देखिए क्या है, क्विल और फ्लाइट फेदर्स आर क्लासिफाइड इंटू फॉलोइंग टाइप्स, ये कौन कौन से है? द क्विल फेदर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग रैकेज, इसमें स्ट्रॉन्ग भी आगे देखेंगे आप समझ जाएंगे। ओके, देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं क्विल फेदर्स में? रेमिजेस, जिसे कहते हैं विंग फेदर्स, और रेक्टिसेस, इसको बोलते हैं टेल फेदर्स, कवर्ट फेदर फॉर फिलिंग गैप्स, जो टेल और विंग के पास जो कवर होता है, जो गैप्स होते हैं उनको कवर करने के लिए कौन कौन होता है? ये कवर्ट। और क्या है? कॉन्टोर, बॉडी कवरिंग फेदर्स, ये क्या है? बॉडी कवरिंग के लिए कौन से फेदर्स होता है? ये कॉन्टोर फेदर्स। ओके, देखिए अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसकी बीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये फेदर्स ऊपर दिखाई पड़े, क्या है? कॉन्टोर फेदर्स। इसके ही नीचे क्या पाया जाता है यहाँ पे? फाइलो प्लूम्स, डाउन फेदर्स, और ये क्या है? देखिए टेल के जो फेदर्स का बोलते हैं हम लोग रेक्टिसेस, और जो ये विंग का फेदर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग रेमेजेस। ओके, देखिए नेक्स्ट, देखिए ये पिजन में को फोकस करके हम बात कर रहे हैं, तो पिजन में कि कुछ टाइप के फेदर्स पाए जाते हैं जिनको आप अगर रियल में देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए पहला क्या है, यहाँ पे लिखा है जो ए रेमेक्स, मतलब जो रेमेजेस है उसका सिंगुलर क्या है? ये रेमेक्स। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे पहचानेंगे आप? देखिए यहाँ पे अनइक्वल हाफ ऑफ वेन, यहाँ पे जो देखिए दो बराबर भागों में बटा नहीं है, ये क्या इक्वल, ये देखिए इधर ज्यादा बड़ा हुआ है और इधर ये कम बड़ा है इसका वेन, इसलिए क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये विंग फेदर्स है। ओके, ये क्या है? देखिए टेल के जो फेदर होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिसेस। देखिए यहाँ दो इक्वल हाफ में डिवाइड है, इसको इसलिए क्या कैसे पहचानेंगे? ये क्या है? टेल का फेदर। अब देखिए आगे देखिए क्या है, ये है काउंटोर फेदर, सी नंबर क्या है? देखिए काउंटोर फेदर कुछ ऐसे दिखता है, आपने देखा होगा ये। उसके बाद देखिए बहुत ही पतले शाफ्ट जिसमें मतलब इस तरह के जो देख रहे हैं यहाँ पे आप, डी नंबर पे क्या है? फाइलो प्लूम, इस तरह के फेदर्स होते हैं उसको बोलते हैं फाइलो प्लूम। देखिए ई, अभी करके सब समझाऊंगा मैं आपको, जो डाउन फेदर्स होते हैं कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं ई नंबर पे देखिए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिक्टल ब्रिसल्स, ये पिजन नहीं पाया जाता है पर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कहाँ पाया जाता है। ओके, देखिए रेमिजेस और विंग फेदर्स, देखिए विंग फेदर्स में क्या होता है? द क्विल फेदर्स अकरिंग ऑन द विंग्स एंड सर्विंग द पर्पस ऑफ फ्लाइट आर कॉल्ड पिनियन एंड विंग क्विल्स ऑफ और रेमिजेस, इसको रेमिजेस कहते हैं, सिमिलर कहते हैं रेमेक्स। इन रेमेजेस द पोस्टीरियर हाफ ऑफ वेन इज स्लाइटली ब्रॉडर, अभी आपको मैंने दिखाया था, देन द आउटर और इंटीरियर हाफ। ईच विंग्स ऑफ पिजन हैज 23 रेमेजेस, देखिए कैसे कैसे इसमें 23 रेमेजेस पाए जाते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा आगे मैं। देखिए रेक्टिसेस और टेल फेदर, ये क्या होते हैं? देखिए द क्विल फेदर्स अकरिंग अराउंड द यूरोफाइजियम टू फॉर्म द टेल ऑफ पिजन आर कॉल्ड टेल क्विल्स, इसमें कितने होते हैं? कुल 12 लॉन्ग रेक्टिसेस होते हैं, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये क्या है? अरेंज इन सेमी सर्कल और फैन लाइक मैनर, फैन लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। ओके, इसमें क्या है? इन रेक्टिसेस टू हाफ ऑफ द वेन्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी दिखाया था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टिपिकल ये पिजन का एक डायग्राम बना हुआ है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे 23 क्या पाए जा रहे हैं? यहाँ पे 23 रेमेजेस पाए जा रहे हैं, देखिए 23 रेमेजेस पाए जा रहे हैं, और रेक्टिस कितनी है? 12, जैसा कि मैंने आपको पीछे अभी लिखा था, देखा था आपने। अब देखिए यहाँ पे जो ये फेदर्स पाए जा रहे हैं, आपको बताया था मैंने इस तरह फेदर्स पाए, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ये देखिए कवर्ट्स। ओके, अब देखिए जो ये कवर्ट फेदर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए द क्विल फेदर्स कवरिंग द बेस ऑफ विंग्स, जो क्विल फेदर्स के जो बेस पे जो विंग लगे होते हैं, चाहे वो टेल फेदर्स हो चाहे वो क्विल विंग का फेदर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कवर्ट्स। द बेस ऑफ द विंग्स क्विल्स आर कवर्ड बाय सेवरल रोज ऑफ अपर एंड अंडर विंग्स कवर्ड
अभी आपको मैं दिखाऊंगा आगे। ओके, एंड द बेस ऑफ द टेल क्विल्स ऑफ अपर एंड अंडर टेल्स कवर, ये जहाँ पे कवर होते हैं क्या, जहाँ पे विंग क्विल्स और टेल क्विल्स जहाँ लगे होते हैं उसके नीचे ये कवर करते हैं। देखिए आगे डायग्राम में, देखिए ये क्या है, ये फ्लाइट फेदर्स है, नीचे आप देख रहे हैं। उसके ऊपर देखिए जो ये लगा हुआ ये क्या है, प्राइमरी कवर, देखिए इस तरह से यहाँ पे ये लगे होते हैं। ओके, मार्जिनल विंग कवर, देखिए मार्जिनल विंग कवर यहाँ पे लगे हुए हैं। ओके देखिए, चलिए नेक्स्ट। फिर क्या है, काउंटर फेदर्स, द क्विल फेदर्स फॉर्मिंग द जनरल कवरिंग ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड कॉन्टूर और पेन नी। ओके, दे आर स्मॉलर एंड वुली फेदर्स हैविंग पुअरली डेवलप्ड बार्ब्यूल्स ड्यू टू विच बार्ब्स कैन बी इजली सेपरेटेड। ओके, क्या लिखा है, दिस प्रोवाइड वार्म्थ, मतलब गर्मी प्रोवाइड करता है और स्मूथ एयर फ्लो विदाउट टर्बुलेंस। जब ये पक्षी उड़ता है हवा में तो जो टर्बुलेंस को ये क्या करता है, ये अवॉइड करता है अपनी स्मूथनेस और अपनी जो ये वुली इसका स्ट्रक्चर, इसकी वजह से। देखिए ये कैसा दिखता है, ये कुछ इस तरह से दिखता है काउंटर फेदर्स, देखिए आपने देखा होगा। ओके चल देखते हैं नेक्स्ट फेदर, ये क्या है, फाइलो प्लूम्स, हेयर फेदर्स, आप नाम से समझ रहे होंगे कि ये क्या है, ये हेयर कैसे दिखाई दिखाई पड़ेंगे और फिन फेदर्स है ये। द फाइलो प्लूम्स आर स्मॉल डेलिकेटेड हेयर लाइक फेदर्स विच रिमेन सेपरेट स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द बॉडी एमंग द कॉन्ट्रो फेदर। कॉन्ट्रो फेदर के साथ ये क्या होते हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अ फाइलो प्लूम कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट कैलमस एंड अ लॉन्ग थ्रेड लाइक रैकेस विद अ फ्यू वीक टर्मिनल बार्ब्स एंड बार्ब्यूल्स विदाउट एनी एम्यूलाई। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे मैंने बताया ये बार्ब्स इसके टर्मिनल पाए जा रहे हैं, ये रैकिस है और ये क्या है, कैलमस। ओके नेक्स्ट क्या है, डाउन फेदर और लिम्यूल। ओके अब देखिए क्या है, डाउन फेदर्स आर स्मॉल सॉफ्ट एंड वुली एंड लैक द रैकेस बट हैव अ शॉर्ट कैलमस। देखिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख के भी समझ जाएंगे ऊपर क्या लिखा हुआ है। देखिए ये क्या है, ये इस तरह से कुछ दिखता है यहाँ पे, ये डाउन फेदर्स। इन एडल्ट पिजन द नेस्लिंग डाउन फेदर्स आर रिप्लेस्ड बाय काउंटर फेदर्स। ओके ये किससे रिप्लेस होता रहता है, ये काउंटर फेदर्स रिप्लेस हो जाता है बट दे परसिस्ट एज एन अंडर कोट बीनीथ द काउंटर फेदर्स। ये काउंटर फेदर के बीनीथ क्या होते हैं, एक कवरिंग बनाते हैं, एक कोट बनाते हैं। फेदर्स इन मेनी एक्वेटिक बर्ड्स सच एज डक स्वान और क्या लिखा है, सर्विंग सर्विंग टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द इंसुलेटिंग लेयर। ठीक, ये थिकनेस बनाता है किसकी, इंसुलेटिंग लेयर की, किसमें, एक्वेटिक बर्ड्स में। ओके देखिए नेक्स्ट, फिर क्या लिखा है, रेक्टल ब्रिसल्स, आपको बताया था कि ये प्रिजन, रेक्टल ब्रिसल्स, सम बर्ड्स सच एज फ्लाइंग कैचर्स गोट सकर्स, इसी तरह की जो बर्ड्स होती है उनमें क्या पाया जाता है, ये हेयर लाइक फेदर्स कॉल रेक्टल ब्रिसल्स। ठीक अब देखिए कहाँ पाया जाता है, देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पिजन में नहीं पाया जाता है और ये कुछ दिखने में ऐसा होता है। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल जाके इसका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।